ओके तो लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे आइडिया है हम लोगों ने लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल ये चार हुआ था। ठीक है, तो इसमें सिंपल गॉन थ्रू करता हूँ। लाइक इसमें किया गया था, लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो अपने ब्लॉक के अंदर यूज होगा या अपने फंक्शन के अंदर यूज होगा, जहां भी डिक्लेयर होगा उसके अंदर यूज होगा। ग्लोबल वेरिएबल ये आपका आपका टॉप पे डिक्लेयर होगा एंड एवरी फंक्शन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल लाइफ में एक बार वैल्यू सेट होगा, उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम वो इनिशियलाइज नहीं होता। ओके, उसको सेट करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू चेंज करते हैं उसको। ऑटोमेटिक वेरिएबल जैसे पर लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल हम लोग फोर्स पुलिस को ऑटो करते हैं। ठीक है, तो ऑटो वेरिएबल बोलो या लोकल वेरिएबल बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, आज हम लोग जो वेरिएबल ऑटोफिक्स करेंगे, एक है रजिस्टर वेरिएबल, एक है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। रजिस्टर वेरिएबल अभी हम लोग बाकी जितने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ये जाके सीपीयू में स्टोर होता है। सीपीयू में स्टोर होगा तो हम लोग को उसका एड्रेस मिलता है। जैसे मान लो प्रोग्राम देते हैं पहले हम लोग स्टूडियो .h। ओके, अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि लाइक इंटीजर इंटीजर प्राइस इज इक्वल टू मान लो 25 दे दिया मैंने। ओके, और यहाँ पे प्रिंट किया परसेंटेज किया, यहाँ पे मैं पास करूंगा प्राइस। यहाँ पे सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं रजिस्टर वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल डॉट सी। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं आपका जीसीसी रजिस्टर वेरिएबल डॉट सी, सेमी कॉलन मिसिंग। ओके, यहाँ पे इंडिकेट किया सेमी कॉलन मिसिंग। ठीक है, तो अभी इसको हम रन करेंगे, ये डॉट जीसीसी तो आउटपुट आ जाएगा। हाँ, बट अगर इसका हम लोग को एड्रेस भी चाहिए कि किस एड्रेस पे सेव हुआ है, ओके अब उसका एड्रेस भी निकाल सकते हो। यहाँ खाली एंड प्राइस पास कर दो, तो एंड क्या करता है, उसका एड्रेस लेके आता है। एंड एंड ऑपरेटर उसका एड्रेस लेके आएगा। इसका लाइन चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं, प्रॉपर लिखे हो। ओके, इसको मैं बिल्ड करता हूँ। ये कह रहे हैं प्राइस प्राइस प्राइस, सॉरी प्रिंट अप्लाई है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसको मैं रन किया ए डॉट एस सी। तो ए जहाँ पे सेव हुआ है मेमोरी में, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लो लोकल हुआ, ग्लोबल हुआ, स्टैटिक हुआ, ऑटो हुआ या कॉन्स्टेंट भी हुआ, ये सब वेरिएबल आपका डायरेक्टली यहाँ से होता है रैम में। ओके, रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है, ये डायरेक्टली आपका सीपीयू में सेव होगा। और रजिस्टर वेरिएबल के लिए सिंपली खाली क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर डाल देंगे बस। इसमें बेनिफिट क्या होता है, अब इसका एड्रेस नहीं जान पाओगे कि ये कहाँ पे सेव हुआ है। अगर अभी इसका एड्रेस निकालोगे, अभी इसका एड्रेस अगर मान निकालते हो तो मुझे एरर देगा वो। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, हेलो इसमें क्या क्या एरर दे रहा है अभी, लाइक प्रिंट है प्राइस रिक्वेस्टेड, ये रजिस्टर वेरिएबल है रिक्वेस्टिंग फॉर एड्रेस, तो ये एरर देगा, ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर देगा। ठीक है, तो जितने भी रजिस्टर वेरिएबल होते हैं उसका आप एड्रेस नहीं निकाल पाओगे। और अगर इसमें वैल्यू सेव नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो सेव कर लेगा। अभी के लिए मैं इसको ये करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अभी अगर आप चेक करोगे ये भी आपका नॉर्मल वेरिएबल जैसे ही बिहेव करेगा। ये क्या रहा है यहाँ पे, एड्रेस ऑफ ग्लोबल रजिस्टर वेरिएबल सेव नहीं किया क्या, सेव रजिस्टर नेम नॉट स्पेसिफाइड फॉर प्राइस। आई थिंक ये जीसीसी में, ये वाले जीसीसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेट मी साइन द वैल्यू। नहीं, इसमें नहीं दे रहा है।
ठीक है, इसका मैं देखता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल निकाल देता हूँ। रजिस्टर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो अपना जीसीसी है, ये इसमें सपोर्ट अपने कंपाइलर में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इसका मीनिंग क्या होता है, ये रैम में ना से होके ये डायरेक्टली सीपीयू में से हो रहा हूँ। ठीक है, तो अगर रैम में से होता है तो इसका एड्रेस मिलता है, और सीपीयू में से होगा तो इसका एड्रेस नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना वो है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल आई थिंक सबको आइडिया होगा कॉन्स्टेंट का, कि कॉन्स्टेंट हम लोग क्यों डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब अगर कोई वेरिएबल मुझे ऐसा चाहिए जिसमें वैल्यू फिक्स रहे, बाद में उसको कोई मॉडिफाई ना कर पाए, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। और कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आगे क्या आता है, कॉन्स्ट कीवर्ड आ जाता है। ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, खाली कॉन्स्ट कीवर्ड आएगा तो इंस्टेंट ऑफ पासिंग, तो मैं कॉपी करके एक नया लेता हूँ। यहाँ तक खाली अगर मैं कॉन्स्ट पास कर दिया, इसका मीनिंग हो जाएगा कि कॉन्स्ट, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये वेरिएबल आपको चेंज करने नहीं देता। कॉन्स्ट ऑलरेडी है ना, कॉन्स्ट अकाउंट और चेंज, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करोगे कॉन्स्ट डॉट सी ए डॉट ई एक्स सी, ठीक है, 25 आया। इसमें बेनिफिट यही है कि आप इसको मॉडिफाई करोगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, बस एक ही बेनिफिट है। तो ऐसे वेरिएबल जहाँ पे आपको कोई चेंज ना कर पाया, जैसे एग्जांपल लो, अगर किसी को पता होगा तो पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14, तो कॉन्स्ट फ्लोट पाई, तो पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे वेरिएबल हम लोग किसमें डिक्लेयर कर देंगे, फ्लोट में, सॉरी पर कॉन्स्टेंट में। तो बाद में अगर इसको कोई चेंज करना चाहेगा, बट इसको एक्चुअल में चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज पाई की वैल्यू 3.14 होती है। प्रैक्टिस केसेस में ऐसे ऐसे वेरिएबल को हम लोग कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं, बाद में खाली ये यूज होगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी चेक करोगे भी आपका एरर नहीं देगा, साइज का एरर भी दे रहा है हर बार। प्राइस 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 कहीं तो क्लियर है, ऐसी जगह पे जहाँ वो कॉम्पीट कर रहा है। ठीक दे रहा हो, सॉरी मैं दूसरा रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा कौन सा है, कॉन्स्ट है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरी कॉन्स्ट, दूसरी कॉन्स्ट, ठीक है। तो इसको रन करोगे अगर, यहाँ पे क्या आएगा, ये डॉट। ठीक है, तो अगर इसको आप यूज कर सकते हो, बट इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कॉन्स्टेंट वेरिएबल का एक और रूल है कि आप इसको जब डिक्लेयर करो तब वैल्यू उसको फोर्सफुली असाइन करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप नॉर्मल कोई वेरिएबल है जैसे आप, रिकॉन्स्ट लोकल लोकल वेरिएबल रिकॉन्स्ट काम कवर करता है ना सर? करेगा आप लोकल डिक्लेयर करो या ग्लोबल डिक्लेयर करो, ये आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल प्लस कॉन्स्टेंट दोनों है। ग्लोबल कैसे है, सबसे टॉप पे डिक्लेयर है, और कॉन्स्टेंट कैसे है, कॉन्स्ट यहाँ पे आ गया है। हाँ, बट ये जो है ये आपका ग्लोबल है बट कॉन्स्टेंट नहीं है। आप इसको चेंज कर पाओगे, इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी ये एरर नहीं देगा, अगर इसको वैल्यू नहीं देते हो तो भी ये एरर नहीं देगा। बट अगर आप इसको वैल्यू नहीं देते हो तो भी एरर थ्रो करेगा। क्यों, उसको वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, ये कॉन्स्टेंट है तो एक्सपेक्टेड क्या चाहिए, सेमी कॉन, सेमी प्लस, सेमी कॉन सही करो। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट सी, मतलब पाइप और यूज नहीं किए ना, पाइप यूज करते हैं बस। इस लेवल से मानता हूँ एड्रेस निकालूँ, ये लो ये क्या होता है, क्या दिया यहाँ पे, 0 दिया, बट आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर चेंज करना चाहोगे तो क्या देगा आपको, जो भी है। हाँ एक बात और, ये आपका फ्लोट है, यहाँ पे परसेंट एफ आएगा। ठीक है, परसेंट एफ है, इसको रन करते हैं। ये डॉट पी एस सी, ये
ये भी गार्बेज वैल्यू बोल सकते हो इसको, ठीक है, फिक्स जो भी इसको रन टाइम पे वैल्यू मिल रहा है वो उसको असाइन कर रहा है, ठीक है। हाँ बट देखो यहाँ पे लाइन चेंज करोगे तो मालूम पड़ेगा एक्चुअल में इसमें असाइन 0 ही हो रहा है, डेसिमल इसलिए आ रहा है बिकॉज वो फ्लोट में है। देखो इसमें 0.00 है, यही पे हमने परसेंट दिए थे, खाली 0 आ रहा है, ठीक है। बट इसमें अगर आप चेंज करना चाहोगे ये आपको अलाउ नहीं करेगा। इसका मेन बेनिफिट यही है कि आप अगर कोई वेरिएबल रीड ओनली बनाना है तब आपको कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे इस ये अभी रुको, इसका मैं देखता हूँ कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम मतलब मे बी अपने पास जो कंपाइलर है जीसीसी है या जीसीसी सपोर्ट ना कर रहा हो, ओके ऐसा होता है कभी कभी। तो बट रजिस्टर वेरिएबल में क्या क्या होता है, ये वेरिएबल आपका इस रैम में ना से होके सीपीयू से होता है तो इसका एड्रेस नहीं मिलता है, ओके। तो रजिस्टर वेरिएबल में जो डायरेक्टली सीपीयू में डिक्लेयर करना है उस टाइम उसको रजिस्टर यूज करते हैं, तो बहुत रेयर केस में यूज करते हैं इसको, ओके। बट इतने टाइप्स है, इसमें कोई डाउट है एक बार देख लो। स्टैटिक क्लियर है, स्टैटिक वेरिएबल काम करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम बताता हूँ उसमें आप बताओ कि क्या एरर है, ठीक है, या क्या आउटपुट आएगा। इसमें मैं ऑलमोस्ट आपका सब कुछ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपका जो वेरिएबल का पार्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ऑल वेरिएबल बोल सकते हो उसको। तो एच यहाँ पे मैंने ले लिया मेन रिटर्न 0, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, ये फंक्शन बनाता हूँ मैं, वायर फंक्शन 1। पहले फंक्शन में मैं बोलूंगा आई इक्वल टू 20 और दूसरे फंक्शन बोलूंगा आई इक्वल टू 30। यहाँ पे मेरा एक नॉर्मल वेरिएबल भी रहेगा जिसका वैल्यू भी 10 होगा, ये भी आपका 20 होगा, कैसा। अरे दोनों फंक्शन का नाम सेम है, दोनों अच्छा हाँ ये भी चेंज करता हूँ, फंक्शन का नाम सेम। ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहिए तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर लो, पर यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ डिक्लेयर हो। हाँ और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, आई जे आई ये आपका आएगा जे, ये आपका हम लोग इंक्रीमेंट करने वाले थे, इसमें प्लस नहीं करने वाले इंक्रीमेंट, पर यहाँ पे क्या होगा प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, इसमें आएगी आपकी आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू परसेंट डी एम जे इज इक्वल टू परसेंट डी, यहाँ पे आपका आई आ जाएगा कॉमन जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन वन को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे आपका ये फंक्शन कॉल होगा मेन, ये डायरेक्टली फंक्शन वन को कॉल करेगा जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वैल्यू सेट होगी 10 10, ये इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन चेंज करता हूँ, तो सेव करता हूँ, ऑल वेरिएबल का देता हूँ, ऑल वेरिएबल डॉट सी, जाते हैं हम लोग यहाँ पे जी सी ऑल वेरिएबल डॉट सी, ये क्या एरर है, सेमी कॉलन सेमी कॉलन कहीं काम इशू है, फंक्शन जहाँ वो कॉल किया है लाइन वहां पे। नंबर अच्छा 17, ठीक है, लाइन नंबर 17 17 पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे सेमी कॉलन, ठीक है। वो आप वापस कंपाइल करो अभी, ठीक है। ए डॉट पी एच सी, तो अभी आउटपुट क्या आता है, आई का वैल्यू 10 है, जे का वैल्यू 10 है, आई प्लस प्लस हुआ 11 हुआ, जे प्लस प्लस हुआ 11 हुआ, यहाँ 20 हुआ, ठीक है।
मैं फंक्शन एक बार और कॉल करता हूँ, मतलब ये फंक्शन दो बार कॉल हुआ है, ठीक है, इसको आप इससे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बट आउटपुट देखो आई के वैल्यू यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, ये लेवल का गया हुआ क्या यहाँ पे, जब ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ उस टाइम ए वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू सेट हुआ, बट जब सेकेंड टाइम कॉल होगा ये लाइन वो स्किप कर देगा, ये लाइन वो टच नहीं करेगा, जो लास्ट वैल्यू जाएगा उसी पे वो इंक्रीमेंट करेगा अपना ये वाला, इसीलिए इसको 12 मिल रहा है। अगर इसको एक बार और कॉल करोगे तो इसको 13 मिलेगा, जो नॉर्मल वेरिएबल है ये वापस से 10 हो जा रहा है, उसको 11 कर रहा है खाली ए डॉट सी एच सी। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो लाइफ में एक ही बार सेट होगा, उसके बाद ये लाइन वो स्किप करता है, अगर बार बार फंक्शन कॉल भी हो तो ये लाइन स्किप होगा, ओके। और जो नॉर्मल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, विदाउट स्टैटिक वेरिएबल है, वो जितनी बार कॉल होगा जितनी बार लाइन पे करता रहेगा उसको इनिशियलाइज करेगा वो, ओके। और उसके बाद जो भी आगे के प्रोसेस पे काम करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका 11 12 13 क्यों आ रहा है, इसका 11 11 क्यों आ रहा है, ये क्लियरिटी मिला इसमें स्टैटिक में नॉर्मल वेरिएबल में, चाहे नॉर्मल वेरिएबल हो लोकल वेरिएबल हो ग्लोबल वेरिएबल जो भी हो, अगर आपका सेट हो रहा है तो सेट हो जाएगा वहां पे, रिसेटिंग वेरिएबल एक ही बार होता है, ठीक है। तो इसमें मेन अगर देखा जाए तो यूनिक ये है और यूनिक ये है, ठीक है, बाकी सब आप डिक्लेयर कहाँ करते हो उससे मैटर करता है, अगर ब्लॉक के अंदर आएगा तो लोकल होगा, ब्लॉक के बाहर होगा तो ग्लोबल होगा, ठीक है। एनी डाउट इन लोकल ग्लोबल स्टैटिक ऑटोमेटिक एंड कॉन्स्टेंट, सर ऑटोमेटिक वाला एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखो ऑटोमेटिक कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर जे डिक्लेयर किया, ये भी आपका ऑटोमेटिक ही है, बट अगर मैं आगे ऑटो कीवर्ड डालूंगा तो उसको, देखो दो होता है, एक होता है इम्प्लिसिटी, एक होता है एक्सप्लिसिटी, ये वर्ड है प्रोग्रामिंग का, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी। इम्प्लिसिटी मतलब ऑटोमेटिक, अभी यहाँ पे जो हो रहा है ना ये भी ऑटोमेटिक है बट वो इम्प्लिसिटी है, अगर मैं आगे ऑटो डाल दूंगा तो अभी भी ये लोकल वेरिएबल है बट एज अ ऑटो है, ये भी एक्सप्लिसिटी है, मतलब इसका जो बिहेवियर होगा ये बिहेवियर इसके ऐसा ही काम करेगा, बट इसको खाली बोलते हैं ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है। जो ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं हम लोग ना, नहीं वो तो आउटसाइड होगा बट खाली ऑटोमेटिक लोकल होता है, तो जो लोकल डिक्लेयर होता है लोकल को अगर आप ऑटो कीवर्ड नहीं दोगे तो भी वो तब उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट ऑटो, ऐसा बोलेंगे इम्प्लिसिट ऑटो बोलेंगे, बट अगर मैन्युअली पास कर दोगे तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिटी ऑटो, ऐसा, ठीक है। हाँ बट इसका जो बिहेवियर है, अगर इसके अंदर डिक्लेयर इसके अंदर यूज होगा, कोई इफ कंडीशन आएगा तो उसके अंदर डिक्लेयर होगा, तो उसका बिहेवियर सेम इसके साथ काम करेगा लोकल वेरिएबल जैसा ही, तो आप इसको ऐसे बोलो या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लोकल वेरिएबल या ऑटोमेटिक वेरिएबल, तो दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें अगर सॉर्ट करने जाओगे तो बचता है स्टैटिक वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो वन टाइम डिक्लेयर होगा और इसको रीइनिशियलाइज नहीं होता है, उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, बट एज ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल ये ओनली वन टाइम होता है, ये रीसेट नहीं होता, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी जो हम लोग कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर आप ऊपर इधर वैल्यू नहीं दे रहे हो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता डिक्लेयर करने का, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है इसका, इसको निकालो यहाँ से, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दो, बिकॉज ये नहीं है आपका कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल सॉरी कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो आपको रीसेट नहीं कर पाओगे, तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, अगर आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल दे रहे हो इसको वैल्यू सेट करो, ठीक है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पे बनाओ वेरिएबल और इसके नीचे सेट करो, ये भी रॉन्ग तरीका है, उसको उसी लाइन में चाहिए जहाँ पे वो डिक्लेयर होता है, उसको उसी लाइन में सेट करो, क्योंकि नया नया लाइन दोगे तो भी उसके लिए वो रीसेट हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो सेट होगा, बाद में रीसेट हो गया, इसलिए उसको एक ही लाइन में डिक्लेयर करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ, स्टैटिक क्लियर भी हो गया है। तो ऐसे
आप जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जैसे मान लो इंटीजर है, यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे इंटीजर आई है, ओके, कैरेक्टर सी करके मैं इसके अंदर कुछ पास कर देता हूँ, मान लो ये है, ओके, फ्लोट है, मान लो सी कर दो इसको, जो भी वेरिएबल देना है दे दो। तो जितने वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अगर इसके आगे आप कॉन्स्टेंट पास करोगे, इसको बोलो, इसको क्या नाम, इसको क्या बोलोगे, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट है, ऐसे बोलते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट है। अगर आप कैरेक्टर बात करते हो, इसको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसका नेमिंग ऐसे होता है, ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है, ये आपका फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट है, ओके, फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट है, ऐसे आपका डबल होता है। हाँ, बट इधर आपको कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा तब होगा, ऐसे ऑटोमेटिक होगा, ये कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये तो वेरिएबल कैसे बन गया अभी, जो आपको रीसेट नहीं कर सकते हो। अब एरे डिक्लेयर करो, डबल डिक्लेयर करो, स्ट्रक्चर आगे आएगा, कुछ भी अगर सामने जो डाल दोगे उस टाइप का कॉन्स्टेंट बन जाता है। तो इसके टाइप का कॉन्स्टेंट सी में होता है आपका, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, एरे, ओके। तो कॉन्स्टेंट में कुछ डाउट नहीं है, कॉन्स्टेंट का मेन पर्पज क्या है, खाली रीड ओनली है, एक बार सेट करो, बाद में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो बस, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टेंट को एक और तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो अपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिया है, अगर यहाँ पे मैंने हैज डिफाइन बोल दिया, हैज डिफाइंड, मान लो यहाँ पाई नहीं है ना, नहीं, तो मैंने हैज डिफाइंड इंटीजर, ओके, नहीं इसमें टाइप नहीं आता, हैज इसमें पाई इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14। इसके बाद अगर मैं पाई को प्रिंट करूंगा यहाँ पे, प्रिंट एफ परसेंट एफ, एफ क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल है, परसेंट यहाँ पे क्या आएगा आपका, पाई। हाँ, ध्यान दो, जब डिफाइन यूज करोगे तो आपने इसमें टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब देने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे इक्वल टू सिंबल नहीं आएगा, ये सिंटैक्स का होता है। ये क्या करता है, जैसा वैल्यू दोगे ये उस टाइप का बन जाता है ऑटोमेटिक, फ्लोट दोगे तो फ्लोट बन जाएगा, नॉर्मल नंबर दोगे नॉर्मल इंटीजर बन जाएगा, आप ऐसे दोगे तो ये बन जाएगा, ये किसी भी टाइप का बन सकता है, इसका ये फायदा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, ए डॉट ई एच सी, यहाँ पे क्या आया, 3.14 जो इसकी वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग बिना मेन फंक्शन में कोड रन कर सकते हैं, नहीं ना, नो अभी हम लोग करके देखते हैं। डिफाइन ए बी सी, मैंने इसको क्या बना दिया, मेन, यहाँ क्या बात कर दिया, देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू कलेक्शन रिटर्न वन, देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एबीसी आई थिंक ऐसे आता है, इसको हम डिफाइन करके यहाँ से भी कर सकते हैं, लेट मी चेक वंस, सपोर्ट कर रहे, जिसे कि मैं प्लीज अनडिफाइंड रेफरेंस बिटवीन मैन, ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली प्रॉब्लम ही आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इसका नाम दो, मेन फंक्शन का नाम यहाँ पे दे दो, और ए बी सी यहाँ पास कर दो, सॉरी मैंने ये पास किया है क्या, ए बी सी एल एस, हाँ ये ना, ये डॉट ई सी आई आउटपुट। तो ये डिफाइन कर, देखो डिफाइन क्या करता है, तुम किसी भी टाइप का डेटा बना सकते हो यहाँ पे, बट हाँ ए बी आपका कॉन्स्टेंट होगा, इसको आप सेट नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट बन जाता है। तो अगर कोई बोलता है ना बिना मेन फंक्शन का आप प्रोग्राम रन करके दिखाओ, तो ऐसे कर सकते हो, आप मेन ऊपर बना दो, वो वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लो, तो बिना मेन का आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन क्या करता है, हैज डिफाइन, हैज डिफाइन से आप किसी भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हो, बट वो वेरिएबल कॉन्स्टेंट होगा, ये याद रखना होगा, ये वेरिएबल तो आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट दो तरीके से बनाते हैं, एक तो होगा आपका कॉन्स्ट कीवर्ड से,
एक होगा हैज डिफाइंड सेल, ठीक है। डिफाइन अ कॉन्स्टेंट में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ही डिफरेंस है, आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हो, यहाँ पे टाइप देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू डिसाइड करते हो, यहाँ पे इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा वैल्यू दोगे, ये वेरिएबल उस टाइप का एटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे एटोमेटिक क्या बन गया, फ्लोट। यहाँ पे एटोमेटिक क्या बन गया, नीचे फंक्शन, राइट। क्योंकि ये हुआ क्या, इसके अंदर खाली क्या गया, मेन वर्ड गया ना, एबीसी अगर मैं यहां पास करूंगा इसके लिए वो मेन हो गया वो, ठीक है। ठीक है, चलते इसमें। तो डिफाइन आपका कौन से डिक्लेयर कर सकते हो, सेम आपका कौन से भी कौन से डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बिना मेन का भी फंक्शन रन करना, तो डिफाइन यूज करके आप कर सकते हो, ये सब यहाँ पे आपका बोल सकते हो, मतलब जो भी आपका फिक्स वैल्यू हो आप डिफाइन डाल दो। तो मेन आप खाली ना, इसका यूज क्या है, डिफाइन का यूज क्या है, कॉन्स्टेंट का यूज क्या है, स्टैटिक का यूज क्या है, ऑटो का यूज क्या है, ये सब एक माइंड में सेट रखोगे कैसे काम करता है। बाकी जब आप प्रोग्राम में यूज करोगे तो आपको यूज करने आ जाएगा। जब तक आपको इसका यूज, एक्चुअल यूज नहीं पता है कि इससे क्या होता है, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगा, तब आपको कोड नहीं समझ में आएगा, या कोड का एरर फाइंड नहीं कर पाओगे। आपको उसका यूज पता रहेगा तो एरर फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है फिर, ठीक है। ठीक है, चलेगा। तो आज हम लोग जितना भी किए हैं सब वेरिएबल को क्लोज कर रहे हैं, कि वेरिएबल जितना पार्ट था उसको कवर किए हैं। इसमें एक और भी आपका आ गया हैज डिफाइन करके, ये मिसिंग था यहाँ पे, ये ऐड करते हैं हैज डिफाइन। ये भी आपका होता क्या है, आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे स्लैश डाल दो, ये आप इसका अंदर है, जैसे आपका ये था ऑटोमेटिक। तो कॉन्स्टेंट एंड डिफाइन दोनों का क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा चलेगा। इसमें नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एक दो प्रोग्राम, अभी ना ये सब तो उतना बेसिक हो गया, अभी मैं ना कोई सिंपल सिंपल प्रोग्राम लाके उसको, कोई टॉपिक रहेगा, हाँ इसका एक प्रोग्राम लिखना है, तो कैसे लिखना होता है, कैसे प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, वो एक बार ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो एटलीस्ट आप लोग के सामने अगर प्रोग्राम आए भी, कैसे करना है वो मालूम पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी को देख के आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, तभी आप एक्चुअल प्रोग्रामर बन पाओगे। कोड देख के आप समझ जाते हो, बट अगर एक सेम कोड में लिखने के लिए बोल दूँ तो वो लिखने भी आना चाहिए, ओके, तभी एक्चुअल प्रोग्रामर बन पाओगे फिर।